यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. ये विश्वास है मेरा, जरूर पूरा होगा, नीले आसमान के पार जाएंगी। आमीन। मेरा यीशु रहता वहाँ, यीशु के पास जाने का, यीशु के करीब रहने का जो चाह हमारा है, जरूर वो पूरा होगा। अंधकार शक्ति, शैतानी शक्ति, इस दुनिया की कोई भी शक्ति हमें हमारे उस अच्छा ड्रीम से, उस अच्छा आग्रह से कभी भी दूर नहीं कर पाएगा। प्रभु के सन्निधान में फिर से एक बार इस हिंदी प्रेयर लाइन के जरिए प्रभुजनों को एक साथ मिलकर प्रभु के सन्निधान में देशों के लिए, राष्ट्रों के लिए, प्रभुजनों के लिए, इस दुनिया में शांति और छाइन प्रभु भेजने के लिए, रोगियों को चंगाई देने के लिए प्रार्थना करने का एक अच्छा अवसर फिर से प्रभु जी ने हमें प्रदान किया। चलिए हम अपने हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, हालेलुया, इसी सुबेरे समय परमेश्वर आपकी चरणों पर आने के लिए और प्रार्थना करने के लिए आपने दिया वो इस सुंदर मौका के लिए, मैं परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आप कितना महान परमेश्वर है करके, हालेलुया, हमारा जीवन में चक्कर कर देखने के लिए आपने सहायता किया, मदद किया प्रभु जी, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, शेष करके परमेश्वर तेरे दास ने बोला हुआ सारे विषयों के ऊपर परमेश्वर आपका दया का हाथ बढ़ाकर प्रभु जी आपने सहायता करना, मदद करना प्रभु जी, हमारे बच्चे लोगों के ऊपर, हमारे बड़े लोगों के ऊपर, हमारे पढ़ाई करने वालों के बच्चों के ऊपर, जवानों के ऊपर, सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर पिता आपका दया का हाथ बढ़ाकर आशीष देने के लिए हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी, जैसे तूने जो सबको आशीष की दिया प्रभु जी, ऐसा आशीष हमारा जीवन में आने के लिए, हर एक बच्चों का जीवन में आने के लिए प्रभु जी आपने सहायता करना, मदद करना प्रभु जी, विशेष करके इंडिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इंडिया में परमेश्वर एक बहुत बड़ा बेदारी होने के लिए, परमेश्वर का नाम की महिमा होने के लिए, परमेश्वर का राज्य की स्थापना होने के लिए, हर एक शैतानी बात दूर होने के लिए, सुसमाचार के लिए दरवाजा खोलकर मिलने के लिए प्रभु तूने सहायता कर, मदद कर प्रभु जी, क्योंकि ये समय परमेश्वर पिता हमें सुसमाचार बताने के लिए बहुत कठिन लगता है, लेकिन प्रभु जी आपकी ओर देख कर हालेलुया हर एक गली में, हर एक बिल्डिंग में, हर एक चाल में, हर एक चौपड़े में, रेलवे स्टेशन में कंटिन्यू इन देशों को याद करेंगे और जरूर प्रार्थना करेंगे। हमारे फैमिली प्रेयर में भी हम बच्चों के साथ मिलकर इन देशों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। इस वक्त प्रभु की महिमा करने के लिए प्रिय सिस्टर जेसी मैथ्यू लाइन पर है। सिस्टर आप लाइन पर है? प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड। आपको इस प्रेयर लाइन में वेलकम करता है, गीत गाने का अवसर है। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के
के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जाना भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पल पल में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। बहुत बढ़िया गाना। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसका संगति में रहूंगा, हालेलुया, उसका साथ साथ चलूंगा, और जय जरूर प्राप्त करेगा। इस प्रेयर लाइन के द्वारा हर किसी को हम लोग यही बताना चाहता है, यीशु मसीह के साथ जो जिंदगी है वो इतना अलग जिंदगी है, जिस तरह सिस्टर ने गीत द्वारा बताया कि हम मेरा जिंदगी में किसी चीज का कमी नहीं होगा, हर जगह मेरे लिए रास्ता प्रभु खोलेगा। कितना अच्छा कि बहुत थैंक्स सिस्टर, प्रभु की महिमा के लिए ज्यादा से ज्यादा सिस्टर को प्रभु उपयुक्त करे। प्रभु के दास आप लाइन पर है, ब्रदर श्याम चरियन लाइन पर आपको इस प्रेयर लाइन में वेलकम करता है, आगे 20 मिनट कलाम से बात करने का अवसर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इस सायन के समय पर परमेश्वर ने हम लोग को सब इस प्रेयर लाइन के द्वारा इकट्ठा होकर परमेश्वर की परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने किया हुआ हर एक उपकार को परमेश्वर को लेकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए इस प्रकार अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस प्रायर लाइन में आने के लिए भी, और परमेश्वर ने इस प्रकार एक मौका मुझे भी दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हमारे काम काज के बाद इस प्रकार हम लोग को इकट्ठा होकर परमेश्वर की ओर ऊपर देखने के लिए और परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए
हम इकट्ठा होकर आए हैं ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हम पर दया कर हम पर परमेश्वर करुणा और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर डालने के लिए हम परमेश्वर के लिए हम इकट्ठा होकर आए हुए। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको प्रत्येक रीति से आशीष करने पाए। हालेलुया। आप लोग सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग सब मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं भी आप लोग के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और करता रहूंगा। और परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बहुत ऐसे और अनुग्रह करने के लिए और हमसे बोल और बातचीत करने के लिए आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना करके मैं वचन की ओर बढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। जिस प्रकार हम लोग ने आरंभ से लेकर प्रेयर लाइन के आरंभ से लेकर हम इस प्रकार सुनते आ रहे थे कि हम इन दिनों में बहुत दुखी है। हालेलुया। और मन से बहुत बोझित और बोझ से भरे हुए है क्योंकि हम देख सकते हैं कि दुनिया में अनेक प्रकार के दुख और संकट क्लेश और अनेक लोग परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जीवन दे रहे हैं और अनेक लोग परमेश्वर के लिए अपनी जान दे रहे हैं कि हम और इस दुनिया से विदा ले रहे हैं। हालेलुया। कि ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है। हालेलुया। परमेश्वर का आगमन निकट होने के कारण ये सब हम अनेक अनेक चिन्ह हम इस दुनिया के अनेक अनेक कोने पर देख सकते हैं। हालेलुया। मिडिल ईस्ट में जैसे हम थोड़ी देर पहले मिडिल ईस्ट के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, बहुत ही दुख की अवस्था है अभी उस देशों में। हालेलुया। अच्छे अच्छे देश भी है और बुरे बुरे बहुत सारे कार्य उधर हो रहा है। अनेक लोग परमेश्वर के वचन के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, परमेश्वर के लिए जो भी खड़े हो रहे हैं उन लोगों को सब उधर से मिटा दिया जा रहा है। हालेलुया। अनेक प्रकार के टेररिस्ट अटैक्स हो रहा है, इस प्रकार अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स में, अनेक प्रकार के मुसीबतों में, अनेक प्रकार के प्रयास और दुख में अनेक परिवार इन दिनों में उधर है। हालेलुया। इन दिनों में हमें उन लोगों के लिए सब प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। हम अपने वचन की ओर बढ़ेंगे। मैंने आज मेरे वचन के लिए जब भी हम लोग इन दिनों में मनन करने वाले कुछ वचन से मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। हमारे इस एरिया में हम लोग का लाइफ ग्रुप, हमारे चर्च में से लाइफ ग्रुप मीटिंग में हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ टॉपिक्स है और टॉपिक्स के बारे में मैं भी इस प्रकार इन दिनों में सोचने लगा और इस प्रकार उसके बारे में ज्यादा अभ्यास करने लगा। तभी मैंने अनेक प्रकार के बातें समझ कर लिया कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार प्रसन्न होता है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है ताकि हमसे परमेश्वर प्रसन्न होए और परमेश्वर हमें दीर्घायु से आशीष के साथ आगे की ओर बलवंत के रूप बलवंत कर चलाए। हालेलुया। मैं इसके लिए आज मेरा जो विषय है कि विषय यही है कि जो भी हम करते हैं सब व्यर्थ है, लेकिन क्या परमेश्वर क्या अच्छी बात है परमेश्वर के सामने, क्या आशीष की बात है परमेश्वर के सामने, वो है कि परमेश्वर के साथ चलना। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना ही परमेश्वर का अनिंग्रह और परमेश्वर को प्रसन्न करने की बात है। हालेलुया। हम उसके लिए हम एक पद पढ़ेंगे और वो पद ये सब उपदेश का पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका दूसरा पद अगर कोई पढ़कर मुझे मदद करेगा तो अच्छी बात है। उपदेश का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। और उसका पहला अध्याय का सातवां पद इस प्रकार लिखा गया है, सब नदियों समुद्र में जा मिलती है तो भी समुद्र भर नहीं जाता, जिस स्थान से नदियां निकलती है उधर से इधर ही की वे फिर जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार उपदेशक का इस वचन पर इस प्रकार लिखा गया है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ होने के कारण जो भी हम करते हैं सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो भी करते हैं व्यर्थ है। इसका ये मतलब है कि परमेश्वर के
बिना हम जो भी करते हैं वो सब व्यर्थ है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. ये परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर है तो ही हम जो भी करते हैं वो सब सफल है. हालेलुया. इस प्रकार इस उपदेशक ने इस वचन के अंदर, जब हम इस वचन को, अगर ये सब उपदेशक का ये पुस्तक को हम जब पढ़ेंगे, उसका पहला और दूसरा अध्याय पर, इस पुस्तक को लिखने वाला उपदेशक ने इस प्रकार वर्णन किया है कि एक एक चीजों को कि हम पढ़ते समय हमें ऐसा महसूस करने लगेंगे कि हम जो भी कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. इसके अंदर उपदेशक ने ऐसा लिखा गया है कि जिस प्रकार पानी, नदियां जो है जो समुद्र पे जाकर मिल जाता है, उसके बाद वापस क्या होता है, वो नदियां वापस वो नदी में आकर जुड़ जाता है. हालेलुया. तो उसका कोई अंत नहीं है. हम आज मेहनत करते हैं, आज हम अपने आप को पूरा कोशिश करते हैं, अपने आप पूरा 100% हम क्या करते हैं, लगा देते हैं, पूरा मेहनत हम लगा देते हैं कि हम कुछ हासिल करने के लिए. प्रेज द लॉर्ड. और ये सब करने के बावजूद आखिर में क्या होता है, हमें दुखी हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, हम नाच की ओर बढ़ते जाते हैं, हम पाप करते हैं, हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं. हालेलुया. ये क्या होता है, ये सब क्या है, हमारे जीवन को दर्शाता है. हालेलुया. इस प्रकार जब हम आगे की ओर पढ़ते समय इस उपदेशक ने इस प्रकार लिखा गया है, उन्होंने हर चीजों को क्या करते ट्राई करके देखा. हालेलुया. हर चीजों को उन्होंने उपयोग करते देखा. इस प्रकार लिखा गया है कि उन्होंने अपने बुद्धि से ज्यादा पढ़ाई करके देखा. उन्होंने अनेक वस्तुओं को खरीद कर ले लिया. उन्होंने अपने अपने जीवन के अंदर अनेक प्रकार के पशु पक्षियां खरीद लिया. उन्होंने अपने जीवन के अंदर अनेक प्रकार के सोना चांदी और इस प्रकार के अनेक धन दौलत को जमा कर दिया. लेकिन ये सब इकट्ठा करने के बावजूद उन्हें क्या नहीं मिला, ये सब करने के बावजूद आखिर में क्या है, ये सब हमारे हाथ से निकल जाने वाला है. हालेलुया. तो ये उपदेशक ने इस प्रकार बताया गया है कि ये सब क्या है, ये सब व्यर्थ है. लेकिन ये सब हम क्या कर सकते हैं, हम ये सब जो भी परमेश्वर हमें देता है, जो भी परमेश्वर हमें हमारे पास है, ये क्या है, हम उसको क्या कर सकते हैं, खुशियों के साथ, आनंद के साथ उसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और हम अपने जीवन के अंदर उसको लेके आ सकते हैं, उसका हम अनुभव कर सकते हैं. कब कर सकते हैं, जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तब. हालेलुया. जब ही हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और हम जब परमेश्वर के साथ चलेंगे तो क्या होगा, हमारा जो भी है वो सबको हम अनुभव कर सकते हैं. हालेलुया. वो हमारे जीवन के अंदर हम अनुभव कर वो हम क्या कर सकते हैं, आशीष को, उसके द्वारा हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. वो ये इस उपदेशक ने इस प्रकार इसके अंदर लिखकर ये कहा गया है कि हम चाहे जो भी कर ले, हम चाहे कितना भी मेहनत कर ले, हम चाहे पढ़ाई कर बड़ा 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 आदमी बन जाए, कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन परमेश्वर के बिना हम जो भी करेंगे वो सब व्यर्थ है. हालेलुया. इसके लिए इन दिनों में अपने आप को खोज कर हम अपने आप को तैयार करना और हम अपने आप को जांच लेना जरूरी है कि हम क्या ये सब जो भी हम कर रहे हैं, क्या हम परमेश्वर के साथ चलते हुए कर रहे हैं क्या. हालेलुया. हम इन दिनों में देख सकते हैं कि पारिवारिक जीवन में हम इतना उलझे हुए हैं कि हम क्या करते हैं कि हम परमेश्वर के ऊपर ध्यान देना भूल जाते हैं.
या परमेश्वर से प्रार्थना करना भूल जाते हैं, या परमेश्वर के वचन से मनन करने के लिए हम भूल जाते हैं, या हम दूसरे विश्वासियों से हम हंसकर दिखाना भूल जाते हैं, या हम दूसरे व्यक्ति जीवन को अपने द्वारा हम यीशु मसीह को के बारे में बताना भूल जाते हैं। हालेलुया। या ना केवल ना हम यीशु मसीह के बारे में ना बोले तो भी चलेगा, लेकिन हम यीशु मसीह के वचन के आधार पर हम चलकर दिखाना हमें इन दिनों में नहीं होता है। हालेलुया। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ इन दिनों में नहीं चल रहे। इसके लिए हम क्या होता है, हम क्या करते हैं कि हम अपने मार्ग से अलग होकर हम अपने दृष्टि को परमेश्वर से हटाकर हम हमारे दृष्टि को दूसरे चीजों में लगा देते हैं, और उस चीजों पर लगाने से हमारा कार्य, हम जो भी करते हैं वो सब व्यर्थ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस उपदेशक के इस पुस्तक में लिखा गया है कि हम बिना परमेश्वर के अगर जो भी करना चाहेंगे वो सब क्या है, व्यर्थ है। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के संगति में चलना चाहिए। हालेलुया। इस प्रकार आगे की ओर हम बढ़ते समय हम देख सकते हैं कि तो हम क्यों परमेश्वर हमसे कहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर, हम आगे की ओर देख सकते हैं कि एक व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 5:33 में इस प्रकार लिखा गया है, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश में तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. इस वचन में जब भी पढ़ रहा था, मैंने इस वचन को मनन करते समय मैं अपने जीवन को मनन करने लगा। हालेलुया। और मैं अपने जीवन को ध्यान देने लगा और मैं अपने जीवन से ये पढ़ने लगा कि हाँ, हम इस देश में आए हैं, हम इस देश पर आकर अनेक अनेक साल गुजर गए, अनेक अनेक सालों से हम इस देश में हैं, लेकिन हम इस देश के हरेक चीजों को अनुभव कर रहे हैं। लेकिन इस देश में आए हुए अनेक लोगों को इस देश के अनेक चीजों को अनुभव करने को नहीं हो रहा, ना केवल अमेरिका में, ना केवल दूसरे कोई देश में हो। जो भी हम देश में है, उस देश का सौभाग्य को, उस देश का अनुग्रह को अगर हम अनुभव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें आशीषित करेगा और उस देश पर हमें आशीष कर बढ़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम अगर परमेश्वर, इस वचन के अंदर लिखा गया है कि जिस मार्ग में चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए चलते रहना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे तो परमेश्वर ही है जो हमें इस देश पर परमेश्वर हमें बढ़ाएगा और चलाएगा और हमें क्या करेगा, अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। और ये अधिकारी हमें बनाना है तो हमें परमेश्वर के साथ चलना होगा। हम शायद थोड़े समय के लिए हम सोच ले अगर थोड़े समय के लिए हमें शायद बहुत सारा चीज परमेश्वर देगा, परमेश्वर अनुग्रहित करेगा, हमें एक नौकरी देगा, बलवंत करेगा, ये सब हमें शायद इस दुनिया के मार्ग पर चलेंगे तो परमेश्वर हमें दे देगा, लेकिन ये सब हमारे साथ नहीं टिकेगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ चलने पर से ही परमेश्वर हमें उधर से क्या करेगा, प्रॉस्पर करेगा, उधर से आशीषित करेगा और
हम जो भी इस दुनिया में कर रहे हैं उसको हम अनुभव कर सकेंगे। हालेलुया। अगर इस दुनिया के चीजों को अनुभव करना है, अगर इस दुनिया के चीजों को अगर हमें हमें आशीषित करकर हमें मिलना है तो हम पर हमें परमेश्वर के साथ चलकर ही हम वो प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका कहना यही है कि अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो ही हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को हम क्या करते हैं करेंगे, आज्ञा के रूप में रखकर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। तो हम क्या है, अगर परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं कर मानकर आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, उसका मतलब यह है कि हम क्या है कि परमेश्वर के वचन के आधार पर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे की ओर पढ़ेंगे कि उस जोशुआ के पुस्तक 1:8 से इस प्रकार लिखा गया है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके अंदर इस प्रकार लिखा गया है कि परमेश्वर के जो आज्ञाओं को हम अपने मुंह के अंदर से हमारे जीभ से क्या क्या आना नहीं चाहिए, कभी निकलना नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर इस प्रकार हम क्या करना चाहिए, दिन रात उस वचन के ऊपर हम मनन कर हमें मनन करना चाहिए। जब भी हम उस दिन रात परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे तभी क्या होगा, हम जो भी करेंगे वो क्या होगा, सफल होगा और हम अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर परमेश्वर के वचन को हम दिन रात में मनन करेंगे तो हम क्या है परमेश्वर के साथ, उसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने से परमेश्वर हमें क्या करेगा, हम जिधर भी जाएंगे उधर परमेश्वर हमें सफल करेगा। हालेलुया। हम हमारे नौकरी में जाते समय उधर अगर परमेश्वर हमें सफल करना है तो हमें परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। क्योंकि हमारे हाथ पर नहीं है कि हम किस प्रकार आगे की ओर बढ़ना चाहिए, हमारे हाथ पर नहीं है कि हम दूसरों के सामने क्या करें चमके, और हमारे हाथ पर नहीं है हम दूसरों के सामने खड़े रहे, हमारे हाथ पर नहीं है हम दूसरों के सामने अभी कुछ दिखा सके, क्योंकि हमें दूसरों के सामने खड़ा करने वाला कौन है, हमारा जिंदा खुदावन परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे काबिलियत पर या हमारे बुद्धि पर है हमारे श्रेष्ठता के से या हमारे कोई भी बड़ापन के कारण हम कभी भी किसी के सामने खड़े नहीं रह सकते हैं। हालेलुया। केवल हमारा परमेश्वर ही है जो हमें क्या कर सकता है, दूसरों के सामने या हम जिधर भी जाएंगे उधर हमें सफल कर सकता है। हालेलुया। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, दिन और रात हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर का वचन मनन करना चाहिए और परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। हमारा इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के साथ जब भी हम चलेंगे तो क्या होता है, हम परमेश्वर को क्या देते हैं, प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटी हम देते हैं परमेश्वर को, हम मूल्य स्थान देते हैं, उस स्थान परमेश्वर को देखकर हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आदर करते हैं। हालेलुया। और हम देख सकते हैं गलातियंस के पुस्तक उसका 5:16 में इस प्रकार लिखा गया है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है इस वचन पे इस प्रकार लिखा गया है कि हम जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो क्या होता है कि हम पवित्र आत्मा के साथ भर कर चलते हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, और जब भी हम पवित्र आत्मा से आगे चलते हैं तो क्या होता है, हम इस अधोलोक के फाटक से और जो भी हमारे अधोलोक के जो हमारे जो जो हमारे विरुद्ध आता है, जो
सैतानिक शक्ति है जो हमारे विरुद्ध आता है उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, विजय को प्राप्त कर सकते हैं, उसके ऊपर हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। बिना बिना परमेश्वर के साथ चले, बिना परमेश्वर के साथ चलते हुए हम ना तो पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ना इस अधोलोक के फाटक के ऊपर हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा के साथ भरपूरी में हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि हम क्या करें, परमेश्वर के राज्य की खोज करें और परमेश्वर के लिए हम आगे की ओर बढ़ते रहे। क्योंकि जब परमेश्वर हमें ऊंचा करता है, हमें क्या करता है, परमेश्वर इतना ऊंचा करता है कि हमें कभी नीचा देखने, नीचा रुकने की या नीचा झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। जिस प्रकार योसेफ को परमेश्वर ने उस मिस्र देश में हालेलुया आशीषित किया, हालेलुया, योसेफ ने हमेशा हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं पर परमेश्वर के साथ चलते रहा, इसके कारण परमेश्वर ने उनको उस देश पर ऊंचा किया। हालेलुया। उन योसेफ को अकेला नहीं, उसके परिवार को भी परमेश्वर ने ऊंचा किया। उस परिवार को अकेला नहीं, इसराइल को परमेश्वर ने उस मिस्र देश से बचा कर अनुग्रहित किया। हालेलुया। इस जोसेफ के अकेला के अकेला काफी था, उस अकेला व्यक्ति ने उस देश में खड़ा और रहकर परमेश्वर के साथ चला, इसके लिए परमेश्वर ने उनके साथ रहा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। हालेलुया। मेरा इस वचन के आखिर में मैं यही बता देना चाहता हूँ कि हालेलुया, परमेश्वर के साथ चलने से ही हमारा असली पहचान बनता है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने से ही हमारा असली पहचान बनता है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलेंगे तो ही परमेश्वर हमें बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने से ही हम एक लायक बनते हैं। हालेलुया। हमें इस प्रकार इस लायक बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इस लायक हमें खड़ा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और हम कुछ भी नहीं बन सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के साथ चलने से हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे। हालेलुया। हमेशा हमेशा संतुष्ट रहेंगे। हालेलुया। बिना परमेश्वर के हम कुछ नहीं है, बिना परमेश्वर के हम शून्य है। हालेलुया। भले ही हम इस देश में, भले ही इस दुनिया में हम कुछ भी बना ले, कुछ भी हम खरीद ले, कुछ भी हम आप इकट्ठा कर ले, लेकिन ये सब हमारे लिए व्यर्थ है। हालेलुया। इस प्रकार सब उपदेश के पुस्तक में उस लेखक ने इस प्रकार कहा, उन्होंने अनेक प्रकार के चीजों को हालेलुया खोज कर इकट्ठा करने को कोशिश किया, अपने बुद्धि को इस्तेमाल किया, अपने शरीर को इस्तेमाल किया, उन्होंने अनेक तरह की मेहनत किया और ताकि कुछ वो ये सब रखकर वो कुछ कर सके। हालेलुया। लेकिन आखिर में ये कहकर उसने अंत किया कि परमेश्वर के बिना वो कुछ भी, कितना भी मेहनत करे, कुछ भी करके ले, ये सब व्यर्थ है। हालेलुया। इन दिनों में आप लोगों को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों बहनों, हालेलुया, कुछ भी हो जाए, हालेलुया, हम जितना भी मेहनत करें, परमेश्वर की ओर ध्यान देते हुए परमेश्वर के साथ चलकर हम मेहनत करें और हमारे बुद्धि को, हमारे ज्ञान को, अपने शरीर को, हमारे हर एक चीजों को हम परमेश्वर के साथ चलते हुए हम अपने आप को समर्पित करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर हमें, हमारे द्वारा हमें उपयोग करते हुए अनेक लोगों को परमेश्वर की ओर लेकर आए, हमारे द्वारा अनेक लोग आशीष प्राप्त करने के लिए, हमारा परिवार, हमारे आजू बाजू के लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमारे साथ रहने वाले लोग, हमारे बच्चे लोग, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे 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 हर एक व्यक्ति जो हम जो हमें जानते हैं और नहीं जानने वाले लोग जो भी हमें देखते हैं, तो वो क्या करना चाहिए, वो परमेश्वर को जानना चाहिए, यीशु मसीह को जानना चाहिए। इसके लिए हम अपने आप को, जो भी मेरे वचन को सुन, इस वचन को सुन रहे हैं, अपने आप को समर्पित करते हुए और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे और आज से लेकर परमेश्वर के साथ चलने के लिए एक निश्चय और दृढ़ विश्वास के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। आमीन। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। बहुत ही अच्छा कलाम प्रभु के दास के द्वारा हम सुन रहा था। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का
आह्वान हमें गीत के द्वारा सिस्टर से सुनने का मौका मिला, लेकिन प्रभु की आत्मा फिर से एक बार कलाम के द्वारा ये याद दिलाया कि इंसान का जिंदगी कितना कितना छोटा है और उस जिंदगी में इंसान जो कुछ करता है उसका अंत क्या है, उसे क्या पाता है, इंसान किस लिए करता है। जरा सोचिएगा, जरा रुकिएगा और सोचिएगा कि जिंदगी में आज तक जो जो कुछ किया हुआ है आखिर इससे क्या हमें जिंदगी में मिलता है। एक दिन हमें शरीर छोड़कर ये दुनिया छोड़कर चला जाएगा। एक बार एक बच्चों को एक चर्च के संडे स्कूल टीचर्स लोग पिकनिक ले जा रहा था, रास्ता पर वो बच्चों को ले जाने वाला बस रोका क्योंकि एक डेड बॉडी लेकर एम्बुलेंस आ रहा था। वो डेड बॉडी लिया हुआ एम्बुलेंस जब वो बच्चों के बस को क्रॉस किया तो वो बच्चों को ले जाने वाला एक टीचर ने उस बच्चों से पूछा कि तुम लोग को दिल में कुछ सोच आया, तुम लोग डरा? एक बच्चा ने बोला नहीं, मुझे डर नहीं लगा, लेकिन मैं ये सोच रहा था ये इंसान कौन है और ये कहां पहुंच गया, कहां पहुंचा होगा। जरा सोचिएगा कि आप कौन है और आप कहां पहुंचने वाला है। बहुत कुछ चीज तो हम करते हैं जिंदगी में, लेकिन क्या आज तक आप अपने आप को पहचान पाया है? आप ये जानता है कि आपका जिंदगी का रियल नीड क्या है? आपको ये पता है कि आपका जिंदगी कहां पहुंचेगा? अगर आपको पहचान नहीं है तो आपको अच्छी तरह पहचानता वाला एक प्रभु है, वो प्रभु यीशु मसीह है। कर एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के विश्वास के साथ जुड़कर प्रभु तेरी आराधना स्तुति करने वाले बन सके। एक बार फिर प्रभु तेरे धन्यवाद करते हैं तमाम और बड़ी आशीषों के लिए। प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु हम सब को आशीष दे और अपने नाम की खातिर इस्तेमाल कर और अपनी नजदीकी में बढ़ा, और प्रभु होने दे कि जब हम तेरे नजदीक आए और तेरे नजदीकी में बढ़े तो आए खुदावन हमारे मुंह से व्यर्थ ही व्यर्थ न निकले, बल्कि प्रभु तेरी प्रशंसा और तेरी स्तुति हमारे मुख से निकलने पाए, क्योंकि तू हमारे जीवनों का कर्ता है और प्रभु हमारे हर कार्य तुझ में शुरू हो और तुझी में समाप्त हो। प्यारे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना सभा को समाप्त करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के दिन को तू अधिक आशीषित कर और होने दे प्रभु, जब हम एक बार फिर दोबारा मिले तो एक बार फिर प्रभु हम अपने प्रार्थना विषयों के साथ, वंदनाओं के साथ और प्रभु अपनी गवाहियों के साथ एक दूसरे को उत्साहित करने वाले बन सके। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर, आमीन। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज रात भी परमेश्वर ने हमें हिंदी प्रेयर लाइन के द्वारा प्रभु की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता दी, हमें मौका दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर एक प्रेयर लाइन पार्टनर्स को परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैसेज बोलने वाले ब्रदर साम चरियन के परमेश्वर को धन्यवाद। सिस्टर जेसी, थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल सॉन्ग। एक्चुअली सॉन्ग एंड मैसेज वेंट टुगेदर, होली स्पिरिट, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर की संगति में बने रहे, परमेश्वर के मार्ग में चले, आत्मा के अनुसार चले। हालेलुया। परमेश्वर हम में से हर एक को इसकी सहायता करे। गाना में भी हमने वही सुना, प्रभु का धन्यवाद करो और उसकी संगति में सदा रहेंगे। हालेलुया। थैंक यू पास्टर जैन फॉर लीडिंग द मीटिंग। हालेलुया। से पास्टर जैन ने बताया कि इंडिया में 72 आवर्स कंटिन्यूस फास्टिंग प्रेयर डिक्लेयर किया है 100 सिटीज में। हालेलुया। लेट्स प्रे विद देम, let's uphold them in our prayers for the protection, and God will help them, lead them, and it will be a great blessing and revival for India. Chennai mein wo fasting prayer 100 hours declare kiya hai. Is sab mein parmeshwar ke naam ki mahima ho, pavitra atma ki dwara ye meeting 100 cities mein
3 days fasting declare किया है, उसका prayer request, prayer topics आपको email के द्वारा available हो सकता है, आप यदि interested हैं इन दिनों में, that is tomorrow, it starts tomorrow American time, it's from tomorrow afternoon. So if you would like to join, let us know, we will send you the email so that you can join with them in prayer and be a part of the blessing. Thank you again. Good night. Night. Thank you.